दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में केजरीवाल ने सिंगापुर जाने की अनुमति पर रोक लगाने को गलत बताया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि केंद्र से अनुमति मांगे महीने भर से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक परमिशन नहीं मिली है। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल को 1 अगस्त को सिंगापुर में होने वाले वर्ल्ड सिटी सम्मेलन में दिल्ली मॉडल पेश करना है। सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी के नाम लिखी चिट्ठी में कहा कि मुझे सिंगापुर की सरकार ने वर्ल्ड सिटी सम्मेलन में दिल्ली मॉडल पेश करने के लिए बुलाया है। अगस्त के पहले हफ्ते में होने वाले सम्मेलन में दुनिया भर के बड़े बड़े नेता सिंगापुर आ रहे हैं। उनके सामने दिल्ली मॉडल पेश किया जाना भारत के लिए बेहद ही गौरवशाली क्षण होगा। सीएम केजरीवाल ने पत्र में लिखा कि मुझे बेहद दुख है कि मुझे अभी तक सिंगापुर जाने की अनुमति नहीं मिली है। मैंने 7 जून को भी अनुमति मांगने के लिए पत्र लिखा था, लेकिन अभी तक उस पर कोई जवाब नहीं आया है। केजरीवाल ने अपने पत्र में लिखा कि इस तरह से किसी राज्य के मुख्यमंत्री को इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जाने से रोकना सही नहीं है। इसके आगे केजरीवाल ने लिखा कि विदेशों में दिल्ली के विकास मॉडल की चर्चा हो रही है। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 साल पहले जब भारत आए थे, तब उनकी पत्नी दिल्ली के स्कूल देखने पहुंची थी। वो दिल्ली के शिक्षा मॉडल से बेहद ही प्रभावित हुई थी। इसके अलावा कई विदेशी नेता दिल्ली आए और उन्होंने राज्य के विकास मॉडल की चर्चा की है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री को विदेशी मंच पर जाने की अनुमति नहीं देना उचित नहीं है। वहीं अब इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का कहना है कि उनकी पार्टी इस मुद्दे को संसद में उठाएगी। इस मुद्दे को देश की संसद में भी उठाएंगे और इस प्रकार की तानाशाही तो नहीं हो सकती कि आप एक 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री को सरकारी बुलावे पे ना जाने दें। सिंगापुर की सरकार उनको बुला रही है, उस बुलावे पे आप ना जाने दें। इस प्रकार की दादागिरी का आचरण तो कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपना पूरा विरोध दर्ज कराएंगे। इसमें मैंने आपको कहा ना कि एक नकली मॉडल है नरेंद्र मोदी का, एक असली मॉडल है केजरीवाल का। तो यह लड़ाई नकली बनाम असली की है। तो मोदी जी को केजरीवाल के मॉडल से डर लगता है, केजरीवाल से डर लगता है, इसलिए वो नहीं चाहते कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसकी चर्चा हो, इसलिए रोक लगा रहे हैं। आपको बता दें, सिंगापुर के हाई कमिश्नर साइमन वांग की हाल ही में सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई थी। इस दौरान सीएम को वर्ल्ड सिटी समिट 2022 में शिरकत करने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस सम्मेलन का आयोजन सिंगापुर में 2 और 3 अगस्त को होना है। तब केजरीवाल ने कहा था कि वो इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं। सिंगापुर दौरे की रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है, लेकिन आरोप है कि दिल्ली के उपराज्यपाल के पास सीएम के दौरे की अनुमति की फाइल अटकी हुई है। दिल्ली सरकार के सूत्रों का आरोप है कि LG विनय सक्सेना ने सरकार की कई फाइलें रोक रखी हैं, जिसमें वर्ल्ड सिटी समिट 2022 से संबंधित फाइल दिल्ली के LG के पास भेजी गई थी, जिस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।